हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम। RO ARO 2021 एवं PCS 2021 के लिए सामान्य अध्ययन की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसकी आज 23वीं क्लास है और यहाँ पर हम टॉप 25 जर्नल स्टडीज़ के जो क्वेश्चन हैं वो करते हैं। और डेली आपको ये जो वीडियो है 12 से 1 के बीच में आपको डेली ये वीडियो मिल जाती है जिसमें हम 25 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन करते हैं जो PCS के एग्ज़ाम में, RO ARO के एग्ज़ाम में, IAS के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम यहाँ पर हिस्ट्री की जो टेस्ट सीरीज़ है वो कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास में जो प्राचीन भारत था वो समाप्त हो चुका है पिछली क्लास में, तो आज से हम जो मध्य भारत है, मध्यकालीन इतिहास की जो टेस्ट सीरीज़ है वो शुरू कर रहे हैं। तो आज से जो क्लास आगे होगी सभी जो क्वेश्चन होंगे आपके मध्यकालीन इतिहास से होंगे, ठीक है। तो चलिए आज का जो पहला सवाल है, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था, कब हुआ था? ए 570 ईस्वी में, बी 622 ईस्वी में, सी 642 ईस्वी में, डी 670 ईस्वी में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है ए, ठीक है। ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, 570 ईस्वी में, मक्का सऊदी अरब में। चलिए अगला सवाल है, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? ए 647, बी 1013, सी 711, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? करेक्ट आंसर जो है ये है डी, इनमें से कोई नहीं। भारत पर जो पहला मुस्लिम आक्रमण था ये 711 में नहीं हुआ था बल्कि 712 में हुआ था, ठीक है, 712 में हुआ था। तो यहाँ पर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा और पहला मुस्लिम आक्रमण जो है 712 में हुआ था। हालांकि जो यहाँ पर 711 दिया गया है तो 711 ईस्वी में पहला जो आक्रमण है वो किया गया था लेकिन वो सफल नहीं हुआ था, ठीक है। तो वो सफल नहीं हुआ था और ये जो आक्रमण था उबैदुल्लाह के नेतृत्व में किया गया था, एक दल भेजा गया था लेकिन वो हार गए थे और हार के मारे भी गए थे। तो 711 का माना नहीं जाएगा क्योंकि वो गए, हार गए, है ना, मर गए, फिर वापस कहाँ से आ पाएंगे। तो ये पहला मुस्लिम आक्रमण सफल नहीं हुआ था। तो 712 जो है ये पहला आक्रमण था और ये अरब के आक्रमणकारी थे और जो मोहम्मद बिन कासिम था उसके नेतृत्व में हुआ था। तो नाम भी याद रखिएगा, अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ, तो मोहम्मद बिन कासिम नाम याद रखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था 712 ईस्वी में, ठीक है, उनके नेतृत्व में ये आक्रमण हुआ था। और फारसी जो ग्रंथ है चचनामा उससे हमें अरबों द्वारा सिंध पे विजय की जो जानकारी है वो प्राप्त होती है कि जो ये आक्रमण है ये हुआ था। तो हमें ये जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? चचनामा से, ठीक है, याद रखिएगा, चचनामा से। चलिए अगला सवाल है, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? ए अल्पतगीन, बी महमूद, सी सेबुक्तगीन, डी इस्माइल, ई इस्माइल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये होगा, क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर है अल्पतगीन, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है? अल्पतगीन, यानी कि ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। और ये यामिनी वंश, इसको क्या है, जो राजवंश था गजनी, इसका दूसरा नाम क्या था? यामिनी वंश भी था। तो गजनी का दूसरा नाम यामिनी भी है, अक्सर पूछा जाता है तो याद रखिएगा, यामिनी वंश, ठीक है। यामिनी वंश गजनी वंश का दूसरा नाम है। गजनी जो है वो राजधानी बनाई थी अल्पतगीन ने। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? कौन है जो नहीं हारा था? ए धंग, बी विद्याधर, सी जयशक्ति, डी डंग। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ये है बी विद्याधर। विद्याधर जो है वो चंदेल शासक था और महमूद गजनवी से हारा नहीं था, पराजित नहीं हुआ था। युद्ध चल रहा था, दोनों में बराबरी की टक्करी चल रही थी और रात का समय हो गया, तो फिर रात का समय देख के विद्याधर ने अपनी जो सेना थी वो वापस बुला ली। और वैसे ही महमूद गजनवी भी जान गया कि यहाँ पर कुछ मिलने वाला सिस्टम नहीं है, तो वो भी, उसने भी अपनी सेना वापस बुला ली, तो युद्ध जो था वो समाप्त मान सकते हैं। तो यहाँ पर किसी की जीत या हार नहीं हुई थी, तो ये कह सकते हैं कि विद्याधर जो है पराजित नहीं हुआ था, ऐसा राजा था। मतलब देख रहे हैं कितनी कड़ी टक्कर दी थी और ये महान शासक था। तो और एक चीज़ और याद रखिएगा,
जो कन्नौज का शासक था राज्यपाल, उसको जो है विद्याधर ने मार डाला था। क्यों मार डाला था? क्योंकि उसका कहना था कि अरे बेकूफ, तुम गजनवी से बिना लड़े ही कैसे भाग गए? क्या हुआ कि जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया तो वो बिना लड़े ही भाग गया राज्यपाल जो था। तो विद्याधर एकदम गुस्सा गया कि ये बकलोल कहीं का ऐसे ही बिना लड़े भाग जाता है। तो उसने प्लान बनाया और दो चार राजाओं को बुलाया, कहा इस राज्यपाल को निपटाते हैं, है ना, हम लोगों की बेइज्जती करवा रहा है। तो ये गया और उसको राज्यपाल को जो है निपटा दिया, और इसीलिए निपटाया था कि ये गजनी से ऐसे बिना लड़े, अरे लड़ते फिर हार जाते मर जाते, कम से कम एक नाम तो होता, तुम ऐसे ही भाग गए डरपोक की तरह। तो इन नेकारों को अब बताते हैं तुम्हें। ये गए और भाई साहब उनको निपटा के चले आए। चलिए तो याद रखिएगा, अगला सवाल है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? ए हसन निज़ामी, बी उत्बी, सी फिरदौसी, डी चंद बरदाई। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है उत्बी। उत्बी क्या था? महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था, ठीक है। और इन्होंने दो किताबें हैं, ग्रंथ हैं, उनकी रचना भी की है। तो नाम याद रखिएगा उन ग्रंथ का, क्या था? किताब उल यामिनी। इसकी रचना की थी किसने? उत्बी ने, ठीक है, किताब उल यामिनी। और एक थी तारीख ए यामिनी, ठीक है। तो किताब उल यामिनी, तारीख ए यामिनी, दोनों सेम नेम है, यामिनी लास्ट में है, यहाँ किताब है, वहाँ तारीख है, ठीक है। तो याद रखिएगा तारीख ए यामिनी और किताब ए यामिनी, इन दोनों की रचना किसने की थी? उत्बी ने की थी। चलिए अगला सवाल है, शाहनामा का लेखक कौन था? ए उत्बी, बी फिरदौसी, सी अलबरूनी, डी बरनी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है ये है फिरदौसी। फिरदौसी ने क्या किया था, जो रचना थी, शाहनामा का लेखक कौन था? फिरदौसी। तो इसने ये रचना की थी फिरदौसी ने। इससे पूर्व इसे क्या कहा जाता था, जो ये फिरदौसी था, इसे पूर्व के होमर की उपाधि दी गई थी। तो याद रखिएगा कि इसे क्या बोला जाता है, पूर्व का होमर भी बोला जाता है। और महमूद गजनवी के दरबार में ये प्रसिद्ध कवि था, तो फिरदौसी क्या था? कवि था। चलिए अगला सवाल है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था, कौन से ये भाई साहब थे जिन्होंने पुराणों का अध्ययन किया था? ए अबुल फजल, बी अब्दुल कादिर बदायूनी, सी अलबरूनी, डी तारासिको। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है अलबरूनी, ठीक है। अलबरूनी ने क्या किया था, पुराणों का जो अध्ययन है वो किया था, और ऐसा करने वाले ये महान जो भाई साहब हैं ये पहले मुस्लिम थे, ठीक है। और महमूद गजनवी के साथ ये भारत भी आए थे। तो पूछा जाता है अगर आपसे एग्ज़ाम में कि महमूद गजनवी के साथ भारत कौन आया था, तो ये अलबरूनी भाई साहब थे, जो भाई साहब इनके साथ मुस्लिम, सॉरी क्या नाम है इसका, क्या नाम बताएं इनका, महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी के साथ जो है भारत आए थे ये अलबरूनी, ठीक है, इतिहासकार थे उनके। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया है? ए भीमराज प्रथम, बी भीमदेव, सी मूलराज, डी जयसिंह सिद्धार्थराज। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है भीमदेव होगा, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है? भीमदेव। और ये प्रथम थे, तो ये भी याद रखिएगा, भीमदेव प्रथम, ठीक है। इन्होंने क्या किया था कि सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। चलिए अगला सवाल है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? ए मोहम्मद बिन कासिम, बी महमूद गजनवी, सी डी शेरशाह, डी अकबर। तो किसने किए थे, एक सब तरफ संस्कृत में भी लिखा हुआ था, तो ये महमूद गजनवी ने किया हुआ था, ठीक है। महमूद गजनवी ने किया था, एक तरफ संस्कृत में लिखा हुआ था, तो सिक्कों के इसमें दोनों तरफ अलग अलग भाषाओं में लिखा जाता था, अलग अलग भाषाओं में मुद्रा लेख रहते थे, और एक तरफ जो है संस्कृत में लिखा जाता था, ठीक है, लिखा गया था। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1112 में उत्तर भारत को जीता था? ए जलालुद्दीन मंगबरनी, बी गजनी का महमूद, सी सियाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, डी चंगेज खां। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है मोहम्मद गौरी, यानी कि सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। मोहम्मद गौरी का पूरा नाम क्या है? सियाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। इसने 1192 में उत्तर भारत को जीतना शुरू कर दिया था। चलिए अगला सवाल है, मोहम्मद गौरी का सबसे पहला किसने पराजित किया? मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? ए भीम टू, बी पृथ्वीराज चौहान, सी जयचंद, डी पृथ्वीराज द्वितीय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है भीम टू, ठीक है, भीम द्वितीय। इसने जो है मोहम्मद गौरी को सबसे पहले हराया था, पराजित किया था 1178 में।
गौरी ने गुजरात में आक्रमण किया, ये गुजरात में था, तो गुजरात में आक्रमण किया मोहम्मद गौरी ने, और फिर क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। तो इसकी जो भीम टू की माँ थी उनके नेतृत्व में इसने भीम टू ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया। और जब माँ का साथ हो तो फिर कौन हार सकता है, ये सब तो आप भली भांति जानते हैं। तो इनकी माता जी का साथ था भीम टू के साथ, उनके नेतृत्व में भीम टू ने लड़ाई की और मोहम्मद गौरी को बुरी तरह हराया। ठीक है, हमारे पृथ्वीराज चौहान ने भी पहले युद्ध में हराया था 1191 में, लेकिन जो सबसे पहले हराया ये भीम द्वितीय ने हराया था अपने माँ के नेतृत्व में। चलिए अगला सवाल है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? ए तराइन का युद्ध, बी तराइन का युद्ध 1192-1191, सी चंदावर का युद्ध 1194, डी कन्नौज का युद्ध 1194। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है चंदावर का युद्ध 1194। ठीक है, सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंदावर का युद्ध 1194, कन्नौज के गढ़वाल राजा जो थे जयचंद उनको हराया था। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? चंदावर के युद्ध में 1194। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि चंदावर का युद्ध कब हुआ था, तो डेट भी याद रखिएगा 1194। चलिए अगला सवाल है, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई है, ए तराइन का प्रथम युद्ध, बी तराइन का द्वितीय युद्ध, सी पानीपत का प्रथम युद्ध, डी पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है तराइन द्वितीय, यानी कि बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तराइन के द्वितीय युद्ध में क्या हुआ, यहाँ से जो भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना होना शुरू हो गई 1191 में। मोहम्मद गौरी सॉरी इसमें क्या है 1191 में पहले तो हार गया ये, लेकिन 1192 का जो दूसरा युद्ध हुआ तराइन का, इसमें ये जीत गया, तो फिर यहाँ से मुस्लिम शक्ति की वो होने लगी। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? ए मोहम्मद गौरी, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी अकबर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किस मुस्लिम शासक के उसमें बनी है? तो ये बनी हुई है मोहम्मद गौरी के, इसमें ए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है? ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। इसमें एक तरफ तो देवी लक्ष्मी की मूर्ति बनी हुई है, आकृति बनी हुई है, और दूसरी तरफ इसमें कलमा खुदा हुआ है। ठीक है, अरबी भाषा में। चलिए अगला सवाल है, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? ए तजुद्दीन यल्दौस, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी शमसुद्दीन इल्तुतमिश, डी नसरुद्दीन कुब्जा। तो किसको किया था? तो ये किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, 1192 से 1206 तक जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उसने गौरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तर भारत में प्रशासन संभाल के रखा हुआ था, क्योंकि अब बेचारा मोहम्मद गौरी कहाँ कहाँ तक रहेगा, तो उसने कहा कि दिल्ली को तुम संभालो। तो ये उत्तर भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसका दास था, और ये वहाँ पे अपना प्रशासन संभालता रहा 1192 से लेके 1206 तक। ठीक, चलिए अगला सवाल है, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी बख्तियार खिलजी, डी यल्दौज। तो किसने की थी? तो ये की थी सी बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने क्या किया था, बंगाल और बिहार दोनों में विजय प्राप्त कर ली थी, दोनों जीत लिए थे। तो 1193 से 1202 के बीच में बिहार में विजय प्राप्त की, नालंदा और विक्रमशिला जो था उसको नष्ट कर दिया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि नालंदा एवं विक्रमशिला पर किसने आक्रमण किया था, किसने हमला किया, उसको किसने नष्ट किया? तो बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था, याद रखिएगा। ठीक है, 1193 से लेकर 1202 के बीच में ये आक्रमण वगैरह हुआ था। ठीक, और 1198 से 1203 के बीच में बंगाल पर आक्रमण किया, और जो बंगाल का शासन जो शासक था लक्ष्मण सेन, एक तो हमारे वो लक्ष्मण भगवान थे राम जी के भाई, महान थे एकदम, और एक ये लक्ष्मण सेन थे, इन्होंने देखा कि ये आ रहा है बख्तियार खिलजी, तो ये भाग गया और भाग के पूर्वी बंगाल में शरण ले ली इसने, वहीं से अपना शासन करने लगा। फिर जो बख्तियार खिलजी था वो उधर आगे गया भी नहीं, उसने कहा छोड़ो हटाओ भागने दो भगोड़ा है, वो उधर गया भी नहीं और वो अपना उधर शासन करता रहा। इधर बख्तियार खिलजी ने लखनौती को अपनी जो राजधानी है वो बना लिया, तो ये दोनों जीत लिए थे इसने। ठीक है, याद रखिए कि किसने जीता था, बख्तियार खिलजी ने, और जो लखनौती थी, लखनऊ जो है वैसे ही लखनौती होता है, तो लखनौती को क्या कर लिया था, जीत लिया था, सॉरी इसको अपनी राजधानी बना लिया था। चलिए अगला सवाल है, नालंदा बिहार का विध्वंस किया था, ए बख्तियार खिलजी, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी अलाउद्दीन खिलजी, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसने किया था, तो ये बख्तियार खिलजी ने किया था, अभी आपको क्वेश्चन में बताया है पिछले क्वेश्चन में। चलिए अगला सवाल है, गुलाम वंश का संस्थापक था कौन था, गुलाम वंश का संस्थापक, तो गुलाम वंश का जो संस्थापक था
ये था कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि डी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है, डी करेक्ट आंसर है। 1206 से 1290 तक ये दिल्ली में शासन रहा है, इनका सल्तनत काल रहा है, जो गुलाम वंश रहा है वो रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा गुलाम वंश 1206 तक तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गौरी के उसमें अपना प्रतिनिधि के रूप में संभालता रहा है, फिर 1206 में ये बन गया। तो 1206 से 1290 तक दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश रहा है। और ये कोई, अगर बात करी जाए कि ये कोई वंश था, तो देखिए ये कोई वंश नहीं था, इसमें अलग अलग जाति के लोग थे, अलग अलग परिवारों के लोग थे, ऐसा नहीं कि एक ही परिवार कोई था, तो ये वंश नहीं था, तो ये सभी तुर्क थे, तो इन्हें तुर्क सुल्तान भी कहा जा सकता है कि ये तुर्क सुल्तान थे, या फिर दिल्ली के ममलूक सुल्तान ज़्यादा उचित होगा अगर बोला जाए तो, दिल्ली के ममलूक। आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि ममलूक वंश किसे कहते हैं, है ना, ममलूक के सुल्तान किसे कहते हैं, तो ममलूक के सुल्तान किसे कहते हैं, गुलाम वंश को, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक। तो ममलूक का सुल्तान किसे कहा जाता है, इन्हीं को। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसको लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है, वो क्यों जाना जाता है, क्योंकि ये बहुत दान देता था, है ना, और लाखों में दान देता था, इसीलिए इसको लाख बख्श बोला जाता था। और इसने दिल्ली में जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है वो बनवाई, और अजमेर में ढाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद थी वो बनवाई, तो ये दोनों मस्जिदें भी बनवाई हैं, इनका नाम भी याद रखिएगा, कुव्वत उल इस्लाम, कुव्वत उल इस्लाम, कुव्वत उल इस्लाम और ढाई दिन का झोपड़ा ये बनवाया, कुव्वत उल इस्लाम तो दिल्ली में बनवाया और ढाई दिन का झोपड़ा जो है आपका अजमेर में बनवाया था। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया है, किसने नहीं दिया है, ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी गयासुद्दीन तुगलक, डी फिरोज शाह तुगलक। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ये है सी, सी यानी कि गयासुद्दीन तुगलक ने कुतुब मीनार में कोई योगदान नहीं दिया है। बाकी जो कुतुब मीनार थी, शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवा दी थी इसको, इसकी, लेकिन ये भाई साहब बीच में ही निपट गए, तो फिर इल्तुतमिश आए, इल्तुतमिश ने उसको पूरा करवाया, उसका निर्माण जो था वो पूरा करवाया, बनवा दी एकदम, ठीक है। शुरुआत तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवा दी थी, लेकिन फिर ये टपक चुके थे, तो फिर इल्तुतमिश आए, इन्होंने उसका निर्माण पूरा करवा दिया। लेकिन फिर निर्माण के बाद जब फिरोज शाह तुगलक का शासन आया, तो उसकी चौथी मंजिल जो है वो थोड़ा जर्जर होने लगी, तो फिर फिरोज शाह तुगलक ने चौथी मंजिल के साथ साथ चौथी और पाँचवीं भी बनवा दी, का हटाओ, तो दो मंजिल और बनवा दी इन्होंने, चौथी बनवा दी, पाँचवीं बनवा दी, तो दो मंजिलों का निर्माण इनने करवा दिया, तो ये याद रखिएगा। तो इसमें ये गयासुद्दीन तुगलक भाई साहब कहीं नहीं थे, बाकी इन तीनों का योगदान था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया, इल्तुतमिश ने ख़त्म किया, फिर उस तुगलक ने मरम्मत करवाई और एक मंजिल और बनवा दी, दो मंजिल ऊपर, ठीक है, चौथी और पाँचवीं, तो ये याद रखिएगा। एक मंजिल भी बोला जाता है कि पाँचवीं मंजिल का निर्माण करवाया और चौथी मंजिल की मरम्मत करवाई, तो ठीक है। चलिए अगला सवाल है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी क्या थी, लाहौर, बी दिल्ली, सी अजमेर, डी लखनऊ थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है लाहौर, लाहौर इसने राजधानी अपनी बनाई थी। 1206 में जब गौरी की मृत्यु हुई, तो वहाँ के जो लोग थे, तो उन लोगों ने बुलाया कि भाई साहब आ जाओ आप, है ना, आप ही तो महान है एक, है तो आओ और संभालो गद्दी। तो ये मृत्यु, जैसे ही गौरी की मृत्यु हुई, तो उसके बाद ये लाहौर गए, वहाँ की सत्ता संभाली, और आप जान ही रहे हैं, जब आप सत्ता संभालो, पावरफुल में बैठ जाओ, तो जो और भी लोग होंगे आपके साथी या जो, तो उनमें से कुछ होंगे जो चाहते होंगे कि हम बैठे, तो वैसे ही दो लोग और थे, तो गौरी का एक दास था और उत्तराधिकारी भी था ये, तजुद्दीन यलदौज, ठीक है, तो यलदौज नाम से ये फेमस थे। तो ये भाई साहब थे, एक ये भी सोच रहे थे कि भाई अब तो अगले नंबर हमारा है, लेकिन ये कुतुबुद्दीन ऐबक आ गया, ये तो बड़ा खतरा हुआ, तो यलदौज भी गुस्सा में एकदम, और एक नसरुद्दीन कुबजा, ठीक है, कुबाचा, तो एक ये थे कुबाचा भाई साहब, ये भी सोच रहे थे अपने को कि हम बनेंगे, लेकिन ये कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली से लाहौर पहुंच गया, तो इन दोनों ने, ये दोनों तो बड़े गुस्सा कि यार अब का किया जाए, इसको लगता निपटाना पड़ेगा। तो इधर पे जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये भी समझ गया कि ये कुबाचा और यलदौज, ये दोनों लगता है कुछ ना कुछ करेंगे, तो उसने कहा इनको कुछ ना कुछ तो इनका किया जाना चाहिए, तो उसने कुबाचा से बातचीत की, उसको पटाया, और फिर क्या किया, अपनी बहन की शादी करवा दी कुबाचा से, बोला कि ऐस करो, तो कुबाचा से शादी करवा दी अपनी बहन की, और अपनी तरफ कर लिया, बोला अब तो अपन रिश्तेदार हैं, तुम रहो या हम रहें, बात तो एक ही है, जो हम करें वो तुम कर रहे हो, जो तुम करोगे हम कर रहे हैं, हम राजा हैं तुम राजा हो, सब एक ही है, तो ऐसे मना लिया। तो कुबाचा भाई साहब तो मान गए, लेकिन यलदौज जो थे वो ना माना,
वो कह मानेगा उससे कौन शादी करवाई थी, उसको भी कुछ ऐसा लालच दे। अब नहीं दे पाया होगा, कुबाचा मान गया, कुबाचा सोला चलो बहन तो है ही है ना, तो बहन की शादी हो गई उसके साथ, रिश्तेदारी में बदल गया, अब क्या मारे है ना, यही सब सिस्टम हुआ। लेकिन यल्दौजा से जो था वो ख़तरा बना रहा, इसी वजह से ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था लेकिन लाहौर में ही रहा, दिल्ली नहीं गया, ऐसा ना हो उधर पहुँचे इधर ख़त्म सिस्टम, तो इस वजह से ये लाहौर में ही रहा, दिल्ली वापस नहीं आया, और 1210 में फिर मृत्यु हो गई कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 में मृत्यु हो गई, और कैसे हो गई थी, तो भाई साहब पोलो खेल रहे थे, पोलो जानते होंगे, घोड़े पे बैठ के खेला जाता है ये गेम, तो हॉकी समझ सकते हैं, तो घोड़े पे बैठ के हॉकी खेलना, तो उसी को पोलो बोलते हैं, तो खेल रहे थे और उसी में घोड़े में से टपक गए, घोड़ों ने लात मार दी और क्या हुआ, वहीं निपट गए ये। अब घोड़े ने लात मार दी क्या हुआ ये सब तो नहीं पता है, लेकिन इतना है कि पोलो खेलते हुए ये निपट गए। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिस, सी रज़िया, डी मुइजुद्दीन गौरी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ये है इल्तुतमिस। ठीक है, किसने दिल्ली की सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था, तो इल्तुतमिस ने। ये जो इल्तुतमिस था ये कौन था, ये भारत में सल्तनत काल में सबसे पहले क्या बोल रहे थे हम, सॉरी, ये इल्तुतमिस कौन था, तो ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका ये दास था, गुलाम था, कह सकते हैं कि खरीदा था इल्तुतमिस को। ठीक है, तो इल्तुतमिस ने दिल्ली को राजधानी बनाया, और भारत में जो है सल्तनत काल में ही सबसे पहले शुद्ध अरबी के जो सिक्के थे वो भी इसी ने चलवाए थे, और जो और एक सिक्का और जो सिक्के थे, एक चांदी का सिक्का था जिसे टंका टंका और उसका सॉरी किसका क्या हो रहा है आज तांबे का जो जीतल था वो भी आरंभ करवाया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो ये दोनों चीज़ इन्होंने करवाई थी। चलिए अगला सवाल है, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो कौन था ये, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिस, रज़िया, बलबन। तो कुतुबुद्दीन ऐबक तो चला गया था लाहौर, तो मुस्लिम दिल्ली का कहाँ हुआ, तो दिल्ली का इल्तुतमिस था। ठीक है, इल्तुतमिस इसने दिल्ली में शासन संभाला था, और कुतुबुद्दीन तो दिल्ली में एक प्रशासनिक के रूप में काम कर रहा था, प्रशासन चला रहा था केवल, और मोहम्मद गौरी जब मर गया उधर तब ये वहाँ चला गया, वहाँ राजधानी बनाई, इल्तुतमिस ने दिल्ली में राजधानी बनाई। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, गुलाम का गुलाम किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है मोहम्मद गौरी को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, बलबन को, इल्तुतमिस को। तो किसे कहा गया है ये, तो ये इल्तुतमिस को कहा गया है गुलाम का गुलाम। ठीक है, क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था, और इल्तुतमिस था ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिस को खरीदा हुआ था, अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताएं कि ऐबक ने क्या किया था, इसे खरीदा था, और इसे सर ए जहांदार, ये भी याद रखिएगा, सर ए जहांदार जो अंगरक्षकों का प्रधान होता है, सर ए जहांदार अंगरक्षकों का जो प्रधान है उसका जो महत्वपूर्ण पद था वो भी दिया था। अब खरीदा था लेकिन एक प्रेम था, आपसी संबंध था, और फिर इसके साथ साथ क्या था कि ऐबक ने जो अपनी पुत्री थी उसका विवाह भी कर दिया, तो दामाद भी बन गया था, तो अब तो सब सिस्टम ही सही था। ठीक है, तो इल्तुतमिस को क्या किया था, अपनी पुत्री का जो है विवाह कर दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक, इल्तुतमिस के साथ। तो गुलाम का गुलाम किसे कहा गया है, इल्तुतमिस को कहा गया, और फिर ये दिल्ली का अपना शासक बन गया था। चलिए अगला सवाल है, दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? ए इल्तुतमिस, रज़िया, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है इल्तुतमिस। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, चंगेज खां का मूल नाम था? ए खसुल खां, बी ऐसुगई, सी तैमचिन, या डी औगदी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है तैमचिन। तो ये थे आज के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आर ओ ए आर ओ और पी सी एस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। मिलते हैं कल नई क्लास के साथ। थैंक यू। अगर आपके कोई सजेशन है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।